क्लास फोर में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी एक से लेकर के छ तक का। क्लास फोर में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, अंग्रेजी हो जाएगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता के नियम में संख्या को हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे, पहले एक से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद दो से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, सीरियली वाइज पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते एक से विभाज्यता का नियम। एक से विभाज्यता का नियम, एक से विभाज्यता का नियम क्या होता है? एक से सभी संख्या विभाजित होती है, एक से सभी संख्या विभाजित होती है। इसका डिफिनेशन हम लोग देंगे, एक से सभी संख्या विभाजित होती है, एक से सभी संख्या विभाजित होती है, जैसे जैसे मैं कोई भी संख्या लेंगे तो एक से कट जाएगा। कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी संख्या रहेगा तो एक से वह विभाजित होगा। एक से सभी संख्या, कोई भी संख्या लेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि यहां लगा हुआ सभी संख्या। आइए हम लोग पढ़ेंगे अगला स्टेप, दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम, अब दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि संख्या के इकाई स्थान पर जीरो, दो, चार, छह या आठ हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या की इकाई स्थान पर डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, यदि संख्या के इकाई स्थान पर, यदि संख्या के इकाई स्थान पर सम अंक जीरो, दो, चार, छह या आठ हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। दो से विभाज्यता का नियम हो गया, यदि संख्या के इकाई स्थान पर सम अंक, सम अंक का मीनिंग हो गया जीरो, दो, चार, छह या आठ। सम अंक की कुल संख्या पांच है, जीरो, दो, चार, छह, आठ हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। सम संख्या का हम चर्चा नहीं किए, हम सम अंक का चर्चा किए हैं। सम अंक से बनती है सम संख्या। जैसे अगर हम 12 लिखते हैं तो इकाई स्थान पर क्या आ गया? दो। वो दो से पूर्णतः विभाजित होगी। लिखते हैं जैसे सात सौ चौसठ में इकाई स्थान पर
चार है जो कि सम अंक है, सम अंक होने के कारण दो से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ संख्या लिखे हैं 3640, इकाई स्थान पर जीरो है अर्थात सम अंक है, इसीलिए यह दो से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ इकाई स्थान पर 6 है अर्थात सम अंक है, इसीलिए दो से पूर्णतः विभाजित होगा। तीन नंबर हो गया, तीन से विभाजता का नियम। अब तीन से विभाजता का नियम क्या होगा? अभी हम लोग पढ़े एक से और दो से। तीन से विभाजता का नियम है, यदि संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल तीन से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। हम लोग डिफिनेशन पहले इसका देख लेते हैं। यदि संख्या के अंकों का योगफल तीन से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या के अंकों का योगफल तीन से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे 729 लिख लेते हैं, यहाँ यदि हम अंकों का योगफल निकालेंगे, पहला अंक हो गया 7, दूसरा अंक 3, तीसरा अंक 9, इकाई स्थान पर 9, दहाई पर 2, सैकड़ा पर 7, अंकों को जोड़ते हैं 7 जोड़ 2 जोड़ 9, क्योंकि हम लोग डिफिनेशन में पढ़े हैं अंकों का योगफल, अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 7 दू 9 18, अंकों का योगफल तीन से पूरा पूरा कट जाए, अंकों का योगफल 18 हो गया जो कि तीन से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 × 18, जब पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। अंकों का योगफल तीन से कट रहा है इसीलिए 729 तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 312, तीन से विभाजता का नियम हम लोग पढ़े हैं, अंकों का योगफल 3 × 1 × 2, 3 × 1 × 2, अंकों का योगफल हो गया 3 × 1 = 4 × 2 = 6, तीन से पूरा पूरा कट जाएगा इसीलिए संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। तीन से विभाजता का नियम यही है। एक बड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 1 संख्या और पूछा जाएगा क्या यह संख्या तीन से विभाजित है तो भाग देने में हम लोग को टाइम लग जाएगा, तब विभाजता के नियम का प्रयोग करेंगे, अंकों का योगफल 1 में 0 जोड़ेंगे 1 फिर 0 जोड़ेंगे 1 4 5 5 जोड़ 4 9 9 जोड़ 6 15 15 जोड़ 4 19 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, अंकों का योगफल हो गया 21, 21 तीन से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 × 7 = 21, अंकों का योगफल तीन से पूरा पूरा कट रहा है इसीलिए यह संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगी।
आगे हम लोग पढ़ेंगे चार से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के अंतिम दो अंक का मीनिंग हो गया इकाई का अंक और दहाई का अंक, यदि संख्या के अंतिम दो अंक चार से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी। डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। यदि संख्या के अंतिम दो अंक चार से पूरा पूरा कट जाए, चार से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या के अंतिम दो अंक चार से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हो गया 76,984। अंतिम दो अंक का मतलब है, अंतिम दो अंक का मतलब इकाई और दहाई का अंक। अंतिम दो अंक का मीनिंग हो गया इकाई और दहाई का अंक। इकाई और दहाई का अंक मिला हो गया 84, जो कि चार से पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए यह पूरे संख्या चार से पूर्णतः विभाजित है। यहां अंतिम का दो अंक 08 है, जो कि चार से पूरा पूरा कट जाएगा, अतः यह संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या तो बहुत बड़ी है, अगर भाग दे के निकालेंगे तो समय लगेगा। अगर हमको याद है इसका डिफिनेशन, विभाज्यता का नियम, तो अंतिम दो अंक को हम लोग देखेंगे तो 08 है, 08 चार से पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए चार से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे पांच से विभाज्यता का नियम। पांच से, यदि संख्या के इकाई स्थान पर जीरो या पांच हो, यदि संख्या की इकाई स्थान पर जीरो या पांच हो तो वह संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित होगी। डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। यदि संख्या के इकाई स्थान पर जीरो या पांच हो तो वह संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या की इकाई स्थान पर जीरो या पांच हो तो वह संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यह संख्या हमको प्राप्त हो गया 3,760, इकाई स्थान पर जीरो है, इकाई स्थान पर जीरो है, इसीलिए यह पांच से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ इकाई स्थान पर पांच है, इसीलिए यह संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित होगी। पांच के बाद हम लोग पढ़ेंगे छह से विभाज्यता का नियम।
अगला छह नंबर हो गया छह से विभाज्यता का नियम। छह से विभाज्यता का नियम है, छह का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो छह का गुणनखंड हो जाएगा, छह का गुणनखंड दो से भाग लगाएंगे तीन और तीन से भाग लगाएंगे तो एक। छह का गुणनखंड अर्थात हो गया दो या गुना तीन। छह से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या दो और तीन से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या छह से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या दो और तीन से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या छह से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या दो एवं तीन से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या छह से पूर्णतः विभाजित होगी। छह से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या दो एवं तीन से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या छह से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक सौ छब्बीस दो से कट जाएगा और तीन से कट जाएगा, दो और तीन से कट जाएगा तब यह संख्या छह से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहले हम दो पर डिसाइड करेंगे और तीन पर। 126 हमको संख्या प्राप्त है, दो से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े हैं, संख्या के इकाई स्थान पर सम अंक हो, यानी जीरो दो चार छह या आठ हो। यहाँ देखिए इकाई स्थान पर छह है, इसीलिए यह दो से पूर्णतः विभाजित होगी। अब तीन पे आते हैं, तीन से विभाज्यता का नियम है, अंकों का योगफल तीन से पूरा पूरा कट जाए। अंक को जोड़ते हैं, यहाँ तीन गो अंक है, एक दो और छह जोड़ेंगे, एक अजोर दो तीन अजोर छह, छह तीन नौ, अंकों का योगफल हो रहा है नौ, नौ तीन से पूरा पूरा कट जाएगा। अर्थात यह संख्या दो से भी कट रहा है और तीन से भी कट रहा है, इसीलिए यह छह से पूर्णतः विभाजित होगी। छह से विभाजित होने के लिए दो से कटना चाहिए और तीन से कटना चाहिए। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, ये संख्या हमको प्राप्त है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि छह से पूरा पूरा विभाजित है या नहीं है। पहले हम लोग जांचेंगे दो से और तीन से, अगर दो से भी कट गया और तीन से भी कट गया तब यह संख्या छह से भी कट जाएगा। दो से विभाज्यता का नियम है, इकाई स्थान का अंक दो से कटना चाहिए, इकाई स्थान पर सम अंक है अर्थात दो है, इसीलिए दो से पूरा पूरा कट जाएगा। अब तीन से विभाज्यता का नियम है, अंकों का योगफल चार छह दस पांच पंद्रह एक सोलह चार बीस पांच पच्चीस और दो सत्ताईस, अंकों का योगफल हो रहा है सत्ताईस, सत्ताईस तीन से पूरा पूरा कट जाएगा, सत्ताईस तीन से पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए यह संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित है और दो से भी पूर्णतः विभाजित है, अतः यह संख्या छह से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी।